भारत के साथ साथ दुनिया भर के लोग राइट विंग की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। खासकर यूथ में ट्रेंड ज्यादा देखा जा रहा है, वो राइट विंग भी हो रहे हैं, रिलीजियस भी हो रहे हैं। आप यूरोप का एग्जांपल देख लो। यूरोप इज विटनेसिंग अ मेजर शिफ्ट, द विक्ट्री ऑफ फार राइट पार्टीज इज बिकमिंग द न्यू नॉर्मल देयर। स्पेशली 2012 के बाद से राइट विंग पॉलिटिक्स ग्लोबली बहुत तेजी से पॉपुलर हुई है। भारत में बीजेपी पावर में आई, रशिया में पुतिन की पावर बढ़ती जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने और एक बार फिर से उनके चांसेस बहुत हाई लग रहे हैं। नेतन्याहू इजराइल के अंदर भी पावर में और यूरोपियन नेशंस में एक के बाद एक राइट विंग गवर्नमेंट ही आ रही। द साइंस फ्रॉम अक्रॉस यूरोप आर क्लियर, लिबरल पॉलिटिक्स इज बिकमिंग अनपॉपुलर एंड पॉपुलिज्म इज बीइंग व्यूड एज द ओनली वायबल सॉल्यूशन टू यूरोप्स मेनी प्रॉब्लम्स। ऐसा होना 30-40 साल पहले इम्पॉसिबल लग रहा था। 70s-80s में देखो तो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि भैया ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगा तो दुनिया भर के देश आपस में ज्यादा ट्रेड करेंगे और इन देशों की जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी, एक नई ग्लोबल कल्चर का जन्म हो जाएगा। लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। ज्यादातर कंट्रीज में अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लेकर ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ रही है। इसकी वजह से लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, नेशनल आइडेंटिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और इसी की वजह से राइट विंग पॉलिटिक्स पॉपुलर हो रही है। भारत में भी देखो, आजकल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे जो कॉन्सेप्ट है वो कूल बनते जा रहे हैं और रूलिंग पार्टी भी नेशनलिज्म और रिलीजन जैसे इश्यूज को काफी प्रायोरिटी दे रही है। ये सेंटीमेंट ज्यादातर लोगों के बीच भी पॉपुलर हो रहे हैं, स्पेशली जेंजी और यंगर पॉपुलेशन भी इसको फुल सपोर्ट दे रही है। 8-10 साल पहले चीजें काफी अनकूल मानी जाती थी, लेकिन आज के टाइम सबसे वायरल रील भी नेशनलिज्म, कल्चर, रिलीजन जैसे टॉपिक्स पर ही आपको मिलेंगे। लेकिन इतना मेजर शिफ्ट हुआ क्यों और कैसे, ये दो बड़े सवाल हैं और इनके जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे, बस इसे ध्यान से देखिए। Concern among many mainstream politicians. The Europe, which once believed in keeping the far right outside the tent, is now voting for those leaders in majority. अभी देख रहे हैं हमारा लक्ष्य वही है, अखंड भारत का। The RSS wanted first of all to assert a Hindu Rashtra, so there should be a Hindu constitution. इंडियन यूथ रिलीजियस जरूर हो रहा है, लेकिन इसके साथ एक और चीज है जो इनमें काफी तेजी से चेंज हुई है और वो है इनका फैशन। 40-50 साल पहले कपड़े, जूते, बैग्स और एक्सेसरीज जो है ये सिर्फ यूटिलिटी की तरह देखे जाते थे और लोग ज्यादा फैशनेबल भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम यूथ 10-20 हजार रुपए तो सिर्फ जूते में खर्च कर दे रहा है। आईवियर में भी ये चेंज बड़ा साफ देखा गया है। पहले के लोग आईवियर को एक जरूरत का इक्विपमेंट समझते थे, लेकिन अब ये एक एक्सेसरी बन चुका है। पहले ढंग के आईवियर मिलते भी नहीं थे, डिजाइन और कलर के ऑप्शन भी बड़े लिमिटेड थे, लेकिन लेंसकार्ट ने ये सब कुछ चेंज कर दिया है। पर्सनली मैं पिछले 3-4 सालों से लेंसकार्ट के ही प्रोडक्ट यूज करता हूं। इनके स्टोर पे आप जाओगे तो फ्री में आई चेकअप मिल जाता है। 500 से भी ज्यादा आपको ट्रेंडी डिजाइन के चश्मे यहां पर मिलते हैं। ये वाला जो चश्मा है ये इनके एयर कलेक्शन से है, जो कि काफी लाइट वेट रहता है। इसमें एंटी ग्लेयर वाली प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वीडियो बनाता हूं तो लाइट जो है इससे रिफ्लेक्ट नहीं करती है। इसमें विद पावर विदाउट पावर दोनों ऑप्शन आते हैं, मेरा जो है वो पावर वाला है। और जिन लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा रहता है और कलर एक्यूरेसी का काम रहता है तो वो स्क्रीन में ब्लू लाइट का ऑप्शन ऑफ नहीं कर सकते, उनके लिए ब्लू कट लेंसेज भी यहां पर अवेलेबल है। अभी तो इनके पास बाय वन गेट वन का ऑफर चल रहा है स्टार्टिंग एट ₹1700। अगर आपके पास कोई ओल्ड आईवियर पड़ा है तो वो भी आप यहाँ पर जाकर ट्रेड इन कर सकते हो, आपको ₹500 मिलेंगे और इसके बदले आप नया चश्मा खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में एक स्पेशल लिंक दे रहा हूँ, वहां से अगर देखोगे तो आपको कलर्ड और क्लियर दोनों टाइप के जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं वो भी मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में इस लिंक को चेक जरूर करना। राइट विंग के राइज को देखने से पहले थोड़ा इस टर्म को समझ लेते हैं। ये सारा खेल फ्रांस से शुरू हुआ था। 1789 में फ्रांस के अंदर मोनार्की यानी राजा रानी वाला सिस्टम था। राजा की सरकार थी और वही सारा काम चर्च से पूछ पूछ के करते थे। जो लोग राजा के खास थे वही देश चलाते थे। सारी पावर, रुपया, पैसा, धन दौलत इन्हीं के पास था। देश के जो बाकी सारे लोग हैं वो प्रजा थे। इनका काम था टैक्स देना और रूलिंग क्लास को सपोर्ट करना। फिर यहाँ पर हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन करने वाले कहते थे राजा रानी सिस्टम को हटाओ, चर्च को सरकार से एकदम सेपरेट कर दो, डेमोक्रेसी की तरह यहाँ वोटिंग सिस्टम लाओ और जो राजा के खास लोग देश चला रहे हैं उनके हाथों से पावर को लेकर जनता के रिप्रेजेंटेटिव को वहां पर बिठाओ। ये सारे रेवोल्यूशन करने वाले राजा के दरबार में लेफ्ट साइड में बैठते थे, तो इनका नाम हो गया लेफ्ट विंग। और जो दूसरे साइड के लोग थे जो रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करते थे, कल्चरल आइडेंटिटी और रिलीजियस बिलीफ में ज्यादा मानते थे, वो हो गए राइट विंग। धीरे धीरे ये जो सारे लेफ्ट विंग और राइट विंग जो टर्म है वो पॉपुलर होते चले गए। आज के टाइम अगर आप देखो तो जो पार्टी लिबरल है, सेकुलर वैल्यूज को सपोर्ट करती है, वो खुद को लेफ्ट विंग बोलती है और जो पार्टी कंजर्वेटिव है, रिलीजियस और कल्चरल वैल्यूज में ज्यादा एम्फसाइज करती है, वो खुद को राइट विंग मानती है। वेस्ट में जो ज्यादातर राइट विंग पार्टीज हैं वो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है और लेफ्ट विंग पार्टीज जो रहती है वो सोशलिस्ट होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ पे लेफ्ट, राइट, सेंटर सारी पार्टी सोशलिस्ट नेचर की है। कुछ थोड़ी कम है, कुछ थोड़ी ज्यादा है।
इसीलिए भारत में जो लेफ्ट वर्सेस राइट की जो ग्लोबल डेफिनेशन है वो डायरेक्टली फिट नहीं होती। जनरली लोग कहते हैं बीजेपी, शिवसेना, AIMM, RSS, VHP, इन सब पार्टीज को आप राइट विंग यहाँ पर बोल सकते हो। और अगर जनरल टर्म में बोले तो कांग्रेस, CPI, SP, RJD ये कुछ ऐसी पार्टीज हैं जिनको आप एक तरह से लेफ्ट विंग पार्टीज बोल सकते हो। लेकिन अगर आप 100 साल पहले जाके देखो तो यूरोप के अंदर जो मार्क्सिज्म था वो बड़ा पॉपुलर था, सोवियत यूनियन पूरा कम्युनिस्ट था, चाइना में भी माओइस्ट चल रहा था। लेफ्ट आइडियोलॉजीज ने अकेडमिया पर ऐसा कंट्रोल कर रखा था कि सारी पढ़ाई लिखाई में एक लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव ही दिया गया था। यही भारत में भी चल रहा था। अपने देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज बनी वो सारी सोशलिस्ट प्रिंसिपल को ही फॉलो कर रही थी। इनफैक्ट आज भी बीजेपी को अगर आप देखो तो कल्चरली उसे आप राइट विंग बोल सकते हो, लेकिन पॉलिसीज इनकी भी सारी सोशलिस्ट वाली है। धीरे धीरे अपने देश में अगर आप देखें तो फिर VHP और RSS जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक डिस्कोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट करना शुरू करा और इससे एक कल्चरली राइट विंग डायरेक्शन देने की कोशिश करी। लेकिन ये 1980s से पहले ज्यादा सक्सेसफुल नहीं थे। फिर आया राम मंदिर मूवमेंट और यहाँ से चीजें थोड़ी सी बदल गई। धीरे धीरे लोगों में एक राइट विंग सेंटिमेंट डेवलप होना शुरू हो गया। इसकी वजह से बीजेपी थोड़ा पॉलिटिकली स्ट्रांग होना शुरू होती है और इवेंचुअली फिर ये लोग पावर में आ जाते हैं। लेकिन उस टाइम तक भी ये सेंटिमेंट मोस्टली बड़ी एज के लोगों के बीच पॉपुलर था। यूथ अभी भी बहुत लेफ्ट लीनिंग थे। इनफैक्ट पीयूष मिश्रा की इस एज डिवाइड के ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। ये बोलते हैं कि अर्ली 20s में अगर आप लेफ्टिस्ट नहीं है तो आप हार्टलेस है, और 30s के बाद अगर आप लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो फिर आप ब्रेनलेस हैं। लेकिन आज के टाइम पर मामला बदल रहा है। अर्ली 20s में भी लोग राइट विंग हो रहे हैं। नई एज के लोगों की रिलीजियस रील्स वायरल हो रही है। हर दूसरा पॉडकास्टर भी राइट विंग, रिलीजन, इन सब पे बात कर रहा है और कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते हुए बहुत सारी वीडियोस बन रही है। ये काफी अलग है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। और ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन। देखो कॉन्सेप्ट होता है ओवरटन विंडो का। इसमें बेसिकली लेफ्ट विंग और राइट विंग के वो आइडियाज होते हैं जो किसी भी टाइम पर सबसे पॉपुलर होते हैं। इस विंडो के दोनों साइड दोनों ही विंग्स के ऐसे आइडियाज आते हैं जो सेंसिबल या एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन शायद उतने पॉपुलर नहीं है। फिर एकदम एक्सट्रीम एंड पे चले जाओ तो रेडिकल या अनथिंकेबल आइडियाज आते हैं। ये ओवरटन विंडो टाइम के साथ लेफ्ट या राइट की तरफ शिफ्ट होती रहती है। अब सोचो कि एक दिन लेफ्ट विंग की गवर्नमेंट आ जाए और लोगों में ये आइडियोलॉजी पॉपुलर हो जाए तो आज जो उनके आइडिया एकदम रेडिकल या अनथिंकेबल लग रहे हैं वही आइडिया पॉपुलर हो जाएंगे और उन्हीं के बेसिस पर पॉलिसी बनने लगेंगे। तब बोला जाएगा कि जो ओवरटन विंडो थी वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई है। आज के टाइम राइट विंग की तरफ ये ओवरटन विंडो शिफ्ट होती चली जा रही है। वो आइडियाज जो पहले अनथिंकेबल लगते थे आज पॉपुलर हो रहे हैं, उनके बेसिस पर पॉलिसी बन रही है। 370 को हटाना, राम मंदिर बनाना, UCC जैसे लॉ पर डिस्कशन करना, ट्रिपल तलाक का कानून बनाना, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में आज 10-20 साल पहले आप देखे तो सोचना भी मजाक लगता था, लोग मजाक उड़ाते थे। 10 दफा भी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 370 को नहीं छू सकते। मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, हम कहते हैं लेकिन आज ये रियलिटी बन चुके हैं। ये ओवरटन विंडो जिस साइड भी शिफ्ट हो जाती है यूथ के बीच उस साइड की पॉलिटिकल आइडियाज ज्यादा पॉपुलर होने लगते हैं। और चूंकि ज्यादातर यूथ आजकल ऑनलाइन है तो ये आइडियाज तेजी से एम्पलीफाई हो रहे हैं और चारों तरफ फैल भी रहे। इस शिफ्ट के पीछे कम्युनिज्म का डाउनफॉल एक बहुत बड़ा रीजन है। यूरोपियन कंट्रीज से सारे कम्युनिस्ट लीडर्स खत्म हो चुके हैं और जब कोल्ड वॉर हुआ उसके बाद सोवियत यूनियन भी टूट गया, चाइना से भी माओ ज़ेडुंग का रूल खत्म हो गया और उधर अमेरिका एक सुपर पावर बन के निकला। इधर चाइना के अंदर भी CCP में कम्युनिज्म सिर्फ उनके नाम में बचा है, बाकी एक्शन उनके भी सारे कैपिटलिस्ट नेचर के हैं। और कैपिटलिज्म को अमेरिका ने अपनी मीडिया, ब्रांड, मूवीज और एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पूरी दुनिया में इतना ज्यादा बेच दिया है कि सारे लोग इसे कूल मानने लगे। आज से 40-50 साल पहले देखो अपने देश में भी बिजनेसमैन को ऐसी नजर से देखते थे कि पक्का दो नंबर का काम कर रहा है। लेकिन आज का जो यूथ है वो रतन टाटा, महिंद्रा, मुकेश अंबानी को अपना आइडल बता रहा है। शार्क टैंक इंडिया के अंदर कंपनीज की वैल्यूएशन की बातें लोगों को मिश्री से भी मीठी लगने लगी। ये किसी भी कम्युनिस्ट के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। लेकिन अमेरिकन कैपिटलिस्ट को पूरी दुनिया ने दोनों हाथों से एक्सेप्ट करा है और इस कैपिटलिज्म की वजह से सोशलिज्म और कम्युनिज्म से लोगों का कनेक्ट कम होता जा रहा है। और चूंकि कैपिटलिज्म और लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स का 36 का आंकड़ा रहता है, इसीलिए जो भी यूथ कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा राइट लीनिंग हो जाता है। यहां पर आपको कोल्ड ड्रिंक इफेक्ट भी देखने को मिलता है। देखो कितनी प्रेशर से निकली कोल्ड ड्रिंक। अगर आप एक टाइम पर किसी चीज को दबाने की कोशिश करोगे तो वो उतने ही प्रेशर से बाहर आती है। वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है। लास्ट कुछ डेकेड में लेफ्ट विंग ने एकेडमी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रखा था जो सोशल मीडिया ने आज आके तोड़ दिया। जिन थॉट्स को पहले मीडिया अपने कंट्रोल्ड एनवायरमेंट की वजह से बाहर नहीं आने देता था वो कॉमन लोगों को प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से बाहर आने लगे। बाकी लोगों ने भी उसे एम्पलीफाई करा तो धीरे धीरे वही बातें मेन स्ट्रीम के नैरेटिव बन गई। आज के टाइम न्यूज वाले भी ट्विटर ट्रेंड देखकर अपनी रात की डिबेट चलाते हैं। ऐसा होने से कुछ अब्सोल्यूट
एब्सोल्यूट हॉरिबल थॉट्स को भी मेनस्ट्रीम में जगह मिली है। फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड भी लोग बिलीव करने लगे, लेकिन फ्री स्पीच के साथ ये डाउनसाइड तो आते ही है। लेकिन इसी फ्री स्पीच की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले राइट विंग आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, उन्होंने अपनी बातों को आगे आके रखा है और आज वही बातें मेनस्ट्रीम नैरेटिव सेट कर रही है जिन्हें यूथ फॉलो कर रहा है। इसके अलावा आज का यूथ अपनी बुक से ज्यादा टाइम अपनी रील्स पर बिता रहा है। वहां पर जो कुछ भी मेनस्ट्रीम होगा ज्यादा चलेगा, वही यूथ को भी सही लगेगा। वहां पर क्या चल रहा है? बहुत सौभाग्य की बात हम समझते हैं कि यहाँ कम से कम अवसर मिल गया जो काम कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं राम का नाम लेकर। यूथ के बीच में रिलीजन की इतनी पॉपुलैरिटी कभी नहीं रही है। इसको हमेशा से अनकूल माना जाता था। Do I look the puja part types? लेकिन जो इसको सबसे अनकूल मानते थे पहले, आज इसे खुशी खुशी अडॉप्ट कर रहे हैं और प्रमोट भी कर रहे हैं। देखो, सोशल मीडिया काम करता है नेटवर्क इफेक्ट पे। एक दूसरे को देखकर लोग कंटेंट बनाते हैं। कोई एक वीडियो चल जाता है तो उसकी 10 कॉपियां तुरंत बन जाती हैं। फिर वही चीज ट्रेंड बन जाती है। रिलीजन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बन गया है और यंग लोगों को पता चल गया है कि भैया ये सब पोस्ट करने से लाइक और शेयर आते हैं, तो चाहे वो रिलीजन में माने या ना माने, लाइक्स के लिए ही वो रिलीजन को प्रमोट करने लगे। किसी भी पॉडकास्टर के चैनल पे जाना, शॉर्ट्स और वीडियो के सेक्शन में एक पॉपुलर टैब होता है, हाईएस्ट व्यूड वीडियो आते हैं उसमें। यहां पर आपको 5 टाइप के वीडियो दिखेंगे, भूत पिशाच, हिंदू धर्म, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और जियोपॉलिटिक्स। अब हर पॉडकास्टर एक जैसा तो नहीं सोच रहा होगा, लेकिन ऐसा क्यों है कि हर पॉडकास्टर के पॉपुलर वीडियोस में यही नाम आ रहा है? यह सारा चक्कर है यहाँ पर व्यूज का। इन्हें पता है कि इन टॉपिक्स पर ही सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, तो हर पॉडकास्टर ने इन्हीं टॉपिक्स पर बात करना शुरू कर दिया है। वही 5-6 गेस्ट हैं जिनको हर पॉडकास्टर बुलाता है और 8-10 वीडियोस बनवाता है। यूथ इस वीडियो को देख रहा है, पसंद कर रहा है और इससे उनकी मेंटेलिटी में भी बड़ा शिफ्ट हो रहा है। सोशल मीडिया अभी देखो 15 साल से चल रहा है, लेकिन शुरुआत में इस पर ये सब कंटेंट नहीं चल रहा था। लोग रिलीजियस कंटेंट को क्रिंज मानते थे और वेस्टर्न चैनल से कॉपीड कॉमेडी काफी कूल थी। AIB ने लिटरली कॉलेज ह्यूमर के वीडियोस को छाप छाप के अपने सब्सक्राइबर बना लिए थे। उस टाइम पर ऑनलाइन थे सिर्फ टियर 1 वाले लोग जिन्हें वेस्टर्न स्टाइल कंटेंट ज्यादा पसंद आता था। भारत में तब भी रिलीजियस कंटेंट की ऑडियंस थी, लेकिन वो सारे बैठे थे टियर 2 टियर 3 सिटीज में और वो ऑफलाइन इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे थे, या फिर उनका इंटरनेट बहुत ही ज्यादा महंगा था तो वो थोड़ा बहुत ऑनलाइन देख लेते थे। लेकिन 2016 के बाद ये सब कुछ बदल गया। जियो ने फ्री में इंटरनेट दिया और ये सारी ऑडियंस ऑनलाइन आ गई। इनको जो रिलीजियस कंटेंट देखना था वो जैसे किसी ने बनाया, सारे के सारे लोग उसके पास पहुंच गए और इस ऑडियंस से भी कुछ ऐसे क्रिएटर निकल के आए जिन्होंने अपना रिलीजियस कंटेंट बनाना शुरू करा। तो जो लोग ऑनलाइन थे सिर्फ वो लोग रिलीजियस नहीं हुए, बल्कि ऐसे रिलीजियस लोग जो पहले ऑफलाइन बैठे थे वो भी ऑनलाइन आ गए। और इन सब के अलावा लोगों ने लंबे टाइम तक देखा है कि भैया जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट रूल के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यूरोप में भी मिडिल ईस्ट से जो माइग्रेशन हुआ उसकी वजह से पब्लिक बहुत परेशान हुई और कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स को इसी वजह से वहां पर वोट मिलने लगे। इंडिया में भी कुछ जर्नलिस्ट, हिस्टोरियंस और पॉलिटिशियंस ने ऐसी बायसनेस के साथ काम किया जिसकी वजह से बहुत सारे यूथ बस सिर्फ इनसे चिढ़ के राइट विंग और रिलीजियस हो गए। 2014 के बाद बीजेपी पावर में आई तो उसने सेंटिमेंट को और हवा देनी शुरू कर दी। जो लोग मिडिल में बैठे थे वो भी जंप कर गए राइट विंग की तरफ। लेकिन यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए। कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोग भी आ गए जो धर्म के नाम पर वायलेंस करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। A Muslim man was forced to chant Jai Shri Ram slogan in Madhya Pradesh's Ujjain. In a video which has now gone viral, you can see a group of men surrounding the Muslim man and forced him to chant Jai Shri Ram. यूथ सड़कों पर डिबेट कर रहा है कि मैं 10,000 का सिलेंडर खरीद लूंगा, 1,000 पर लीटर में पेट्रोल खरीद लूंगा, लेकिन बीजेपी को ही वोट दूंगा। यहाँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनके इस क्लेम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर सच में 10,000 रुपए का सिलेंडर पड़ जाएगा तो ये कितना प्रैक्टिकल होगा? आप भरवा लोगे, बाकी लोग कैसे करेंगे? इसके अलावा सड़क पर डिबेट करने वाले लोग गांधी, नेहरू, सावरकर के पीछे बहुत सारी बातें करते हैं। इन्होंने इनकी एक भी किताब नहीं पढ़ी है, इन्हें इनके एक भी थॉट के बारे में सही से नहीं पता है, लेकिन एक मिनट में अपना सारा डिसीजन इनके ऊपर बना लेते हैं कुछ फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से। और रिलीजियस वैल्यूज को लेकर भी यूथ में डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। एक तरफ ये लोग मंदिर और बाकी रिलीजियस प्लेसेस पर जाकर व्लॉग बनाते हुए अपनी भक्ति दिखाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये लोग डेटिंग साइट पर जब जाते हैं तो लिबरल, मॉडर्न और एस्थेटिक पर्सनैलिटी दिखाते हैं, क्योंकि वहां पर लाइक नहीं राइट स्वाइप चाहिए। मैक्सिमम लोगों को बस व्यूज और पब्लिसिटी से मतलब रह गया, मतलब ज्यादा से ज्यादा लाइक और व्यूज आ जाए। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि मंदिर में परिक्रमा किस तरफ होती है, हवन में लकड़ी कौन सी यूज होती है, सूर्य भगवान को पानी देने से कौन सा मंत्र बोला जाता है, मैक्सिमम लोग इन चीजों का शायद जवाब नहीं दे पाएंगे। ये उस कहावत का बेस्ट एग्जांपल है जिसे कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धो लेना। ऐसी बहुत सी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें रिलीजियस प्लेसेस में वीडियो शूट या व्लॉगिंग करने को लेकर टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन ने कंप्लेंट फाइल करी है। इसको लेकर रिसेंटली एक न्यूज़ देखने को मिली थी। मद्रास हाई कोर्ट ने हिंदू टेंपल्स में नॉन हिंदूज के आने को लेकर यह कहा था कि हिंदू रिलीजियस प्लेसेस कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। इसके अलावा केदारनाथ टेंपल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी मंदिर में आके व्लॉगिंग करने वाले लोगों के ऊपर कई बार कंप्लेंट फाइल करी। और आप ही मुझे बताओ, अपने कल्चरल प्रैक्टिसेस को बिना जाने, बिना उन्हें ठीक से फॉलो करे, केवल लोगों
को दिखाने के लिए, व्यूज बटोरने के लिए रिलीजियस प्लेसेस पर जाना कितना सही है, और आप खुद ही डिसाइड करो कि इन चीजों को करने से हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए क्या एग्जांपल सेट करते हैं। आप इसके बारे में एक बार सोचना जरूर। बाकी डिस्क्रिप्शन में लेंस कार्ड का लिंक दिया हुआ है, उसे एक बार चेक जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।